तो लास्ट वाले मिशन के हिसाब से हम लोगों को एटलीस्ट दो टाइप के मशरूम्स चाहिए थे, 8 ब्लू मशरूम और 4 रेड मशरूम, और मुझे 4 में से 4th रेड मशरूम मिल चुका था और हमारा क्वेस्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद हम लोगों को एरो हम लोगों को यहाँ तक खींच लाई, और उसके बाद यहाँ पे कुछ तो धमाका हुआ और वैसे ही पूरा गेट फूट गया। और उसके बाद नक नक, गेट टूटने के बाद हम लोगों को एक मिशन मिला था जो कि था इस कबीले के सरदार को हरा देने का। तो हम लोगों ने मिशन को देखा और इस विलेज को हम लोगों ने ध्यान से देखा, और हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स दिख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हम लोग किस तरीके से सरवाइव करने वाले इधर, लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ बड़ी मुसीबत हमारे सर पे आने वाली है। अब आगे तो क्या हाल चल प्लेयर आर्मी, तो आज एकदम न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं बीस्ट क्विज। हाँ जी हाँ, वही गेम जो कि सबसे ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट गेम मुझे ज़रूर लगता है, बिकॉज़ ये एकदम फाइटिंग आरपीजी एडवेंचर वगैरह है इसमें, और ग्राफिक्स आप देख ही सकते हो कि भाई कितने ज़्यादा ओपी है। तो आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कराज बिल वट एवर इट इज़, ख़राब कर दिया। हम लोग ये वाले विलेज के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों को इस विलेज के बॉस को हराना है। तो हम लोगों को तो इसके लिए प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज 6th लेवल पे हम लोग तो इसे हरा नहीं सकते। और क्या हुआ था कि मैं जब रेड मशरूम्स और ब्लू मशरूम्स खेल रहा था, वो वाला जो क्वेस्ट कर रहा था, तभी मुझे काफ़ी सारे कॉइन्स मिल चुके, बिकॉज बीच में मैं कुछ कुछ ऐसे उनके शाकलेट वगैरह से भी लड़ता रहा था। तो मैंने इन लोगों को एक एक लेवल और बढ़ा दिया है, बिकॉज़ अभी तो 9th लेवल के होने चाहिए थे मैक्स आउट, लेकिन अभी क्या है कि पैसा की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। तो पहले एक काम करते हैं, कुछ ऐसे बंदों से लड़ वड़ लेते हैं। तो अभी यहाँ से थोड़े बहुत कॉइन्स भी निकाल लेते हैं, जिसकी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब फटाफट से आगे को बढ़ते हैं, और यहाँ पे है मधुरास विलेज। तो इस बंदे से लड़ते हैं, देखते हैं कि भाई ये कितने लोगों को बुलाते हैं। प्लीज़ 3 यार। इसने पेल दिया, 60 रुपए मिले भाई। ओके, अब 60 रुपए में हम लोग कुछ अपग्रेड शील्ड अपग्रेड करनी है मुझे, बिकॉज मैं शील्ड का तो यूज़ ज़्यादा करता नहीं हूँ। आर्मर कर लेते हैं यार, पहले आर्मर का पहले देखना पड़ता है। अभी फ़िलहाल के लिए आर्मर और मेरी सॉर्ड एक ही लेवल पे हो रखी है। तो अभी मैं थोड़े बहुत यहाँ से हर्ब्स कलेक्ट लोगों के पास पहुँच चुका हूँ, और अभी इसको मैं वापस से मारने वाला हूँ। इसके भी 2 बंदे हैं, पता नहीं ये लोग भी पेलेंगे मेरे को। सही में पेल दिया भाई, पेल दिया। ओ भाई, 2 जने एक साथ ऐसे अटैक मत करो यार, बंदा मर जाएगा यार, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। ये बात, मर जाऊँगा, मर गया। बहुत बढ़िया भाई, हग दिया मैंने। हग दिया 3 रुपए में भाई, 142 HP कर दिए। अभी एक काम करते हैं, यहाँ के हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करके HP बढ़ा लेते हैं यहाँ पे अपने। इससे ही लड़ रहे थे, बिकॉज अभी इतनी ज़्यादा ऐसे इसके पास होंगे नहीं बंदे, इसके पास खाली एक ही बंदा है। ओके, 50 रुपये दिए हैं इसने हमको। अभी फटाफट से अभी और भी ज़्यादा हम लोगों को हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करनी है, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक अपग्रेड के बाद। यहाँ पे देख ले, मैंने बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड करके 753 रुपीज़ कमा लिया है, बिकॉज इतनी जल्दी इसलिए हो गए बिकॉज मुझे 2 अचीवमेंट्स एक साथ मिल चुकी थी। तो मैंने अभी अचीवमेंट का फ़ायदा उठा के यहाँ पर काम कर लिया है। मेरे को अभी तीनों चीज़ मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए शील्ड करूँगा, बिकॉज अभी शील्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस बंदे से लड़ने के लिए। अभी फटाफट से एक काम करते हैं,
अपने उधर पे चलते हैं, बेस पे चलते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं और फिर निकलते हैं उससे लड़ने के लिए। बिकॉज अभी हम लोगों को उसको उससे लड़ने के लिए फुल HP चाहिए, जो कि अभी हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल ही कम HP है हमारी। तो फटाफट से यहाँ पे सो जाते हैं 50 रुपये में। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे हम लोग सो के उठ चुके हैं और हमारी फुल HP है। तो फटाफट से निकलते हैं उस बंदे से लड़ने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि भाई मैं जीत भी पाऊँगा या नहीं, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम है उसके साथ लड़ने का। तो फटाफट से चलते हैं और आई थिंक हम लोग जीत सकते हैं उसके सामने। वी कैन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट हिम। और अभी हमारे पास कॉइन्स भी बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मुझे कॉइन्स मिल चुके हैं ढेर सारे, मैं पूरा घूम के निकलने वाला। भाई साहब उसने इतनी सारी HP ले ली मेरी। अब फटाफट से यहाँ से ही समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी इससे कैसे लड़ूंगा। मेरे को बस ऐसे लंबी सांस लेनी है और इससे लड़ते जाना है, लड़ते जाना है। और अगर कहीं पे भी ऐसे हाँफने वाला मोमेंट लगा, मुझे सीधा पॉज का बटन दबाना है और रेस्ट ले लेना है। और अभी ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो भाई जय माता दी, लेट्स डू दिस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइज यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। वेल डन टॉम, ओनली वन सील रिमेन्स नाउ। ओ भाई मैंने ये कैसे करा भाई, इतने सारे पोशंस नहीं होते मेरे पास। तो भाई मैं जाता, परफेक्टली जाता, मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं। ओ भाई लेट गेट बैक टू द बेस कैंप। ओके लेट्स गो भाई। ओ भाई हेलो एना, हेलो ओल्ड मैन, वेलकम बैक तो करो भाई तुम्हारे हीरो का। अभी हम लोग पता नहीं यहाँ पे कहाँ जाने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे जब येलो येलो दिखा रहा है पूरे मैप में, वहाँ पे ही जाने का है मुझे। तो फटाफट से उस तरफ को पहुँच। आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो, हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे रैबिट को भरवाने से एक अच्छी अचीवमेंट मिल चुकी है, जो कि हर्ष बनी बुली। ओके कितना अजीब सी अचीवमेंट दी है इसको भगाते रहने का, यार पैसे देता है ये मुझे। ये अपना एकदम बैंक बन रखा है। आई एम गेटिंग क्लोज़र, बट वेयर भाई, कितना ज़्यादा और क्लोज़र जाना पड़ेगा अपने को भाई। बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा दौड़ाने वाले हम लोगों को। फटाफट से पहुँचते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि हम लोगों को वहाँ पे जो नेक नॉक। अबे ये क्या बंदा है। ओ हेलो भाई, कौन है बे तू,